स्वागत है आपका जीके डीके एकेडमी में, और आप देख रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज। ये वीडियो नंबर 10, तो पार्ट नंबर 10 है। आप अगर पिछले 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन क्वेश्चनों को जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब एक कूट फल है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर क्या है, गैलीलियो ने। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट आता है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक तना है? तो आलू। नेक्स्ट आता है, भोजपत्र उत्पन्न होता है वेटुला की छाल से। नेक्स्ट आता है, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट आता है, सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। नेक्स्ट आता है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट आता है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो दैनिक ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट आता है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वॉन लेक सागर। नेक्स्ट आता है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत है होता है? तो कौन सा है, एरिडोसोल। नेक्स्ट आता है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट आता है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षा टन, सॉरी वर्षा वन। नेक्स्ट आता है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉड्सन ने किया था। नेक्स्ट आता है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, आलू किस फूल से संबंधित है, सॉरी आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट आता है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट आता है, इस सदी से प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट आता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो न्यू कैसल। किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट आता है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग। नेक्स्ट आता है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है तो पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के। नेक्स्ट आता है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? 0.75 मीटर। नेक्स्ट आता है, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? तो बीज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन।
नेक्स्ट आता है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कवक के कारण। नेक्स्ट आता है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका कथन है, तो ये लैमार्क का कथन है। नेक्स्ट आता है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो विकिरण। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, तो ग्राहम बेल को। नेक्स्ट आता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी की जाती है, तो गैसों का दाब। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है, तो सोडियम है। नेक्स्ट सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन का अवशेषण करने वाली धातु कौन सी है, तो पैलेडियम। नेक्स्ट आता है क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियोएक्टिवता धर्मिता। नेक्स्ट आता है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह कौन सी होती है, वह धातु ताम्र है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नेक्स्ट आता है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है, तो आपके आंसर अमोनिया। तो ये रहे 1000 सीरीज में से 500वां क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो हमारे जीके डीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और हमारी पिछली 1 से 9 तक की सीरीज जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके डीके एकेडमी। थैंक यू।